हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब गाइस। आज हमारा जो डे है वो पुश डे है वर्कआउट का, और हमारी सीरीज़ का एक ऐसी पाँचवीं या छठी वीडियो है। और आज हम वर्कआउट करेंगे, अपना पुश वर्कआउट करेंगे, जिसमें हम अपनी चेस्ट, शोल्डर और अपने ट्राइसेप को हिट करेंगे। तो मैं पूरी वीडियो में आपको बताऊँगा क्या क्या एक्सरसाइज हम करने वाले हैं और उसकी करने का तरीका कैसे हम करेंगे, उसको कैसे परफॉर्म करना है, बिकॉज़ ये बिल्कुल बिगनर लेवल से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको बिल्कुल ज़ीरो से 100 लेवल पर ले जाने की मेरी जिम्मेदारी है और मैं लेके जाऊंगा आपको, डोंट वरी। बट ये है कि हम जैसे जैसे अपने प्रोग्रेस पे आगे जाएंगे, आप उसको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने मेजरमेंट्स ज़रूर ले लें अपना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ है इसको स्टार्ट करने से पहले। मैंने अपने मेजरमेंट्स ले लिए हैं, मैंने भी अपने चेस्ट, वेस्ट, क्वाड्स, आर्म्स वगैरह सब आज मेजर कराया है जिम के अंदर, और आज की डेट डाल के मैंने उनको सेव कर लिया है। तो मैं आगे आने वाले वीक्स में देखूंगा कि कैसे मेरी बॉडी से इंचेस लॉस हो रहे हैं, क्या मेरी बॉडी में मसल और फैट का रेशियो बन रहा है, वो सब भी मैं BCA मशीन के थ्रू देखूँगा। आप लोग भी निकाल सकते हो, उसको जाके गूगल पे भी निकाल सकते हो, वैसे एक फैट कैलिपर आता है उससे भी आप फैट परसेंटेज अपना निकाल सकते हो। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और चलते हैं अपने पुश वर्कआउट की तरफ। आज हिट करना है हमें पुश वर्कआउट। और गाइस, सबसे मेन जो बात है आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आप जैसे जैसे वीक बाई वीक आगे जाओगे, आप कैलरी डेफिसिट में जाओगे, आप कुछ ना कुछ कैलरीज कम करते जाओगे, तो वहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना है। आपने जितना डे वन पे वेट उठाया, जितना एक वीक में जो भी आपने, जैसे पुश वाले दिन आपने जो वेट उठाया है चेस्ट पे, शोल्डर पे या ट्राइसेप पे, ऐसे ही आपको आने वाले वीक में या तो उस वेट को कंट्रोल करके रखना है कि वो वेट ही आप लिफ्ट करो, या फिर उससे ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करनी है। लेकिन हमें अपनी स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना है, हमें स्ट्रांग होना है, लीन होना है, बट हमें वीक नहीं होना है, ठीक है, मस्कुलर होना है। सो चलते हैं अपनी पुश वर्कआउट की तरफ। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं हम अपने मोबिलिटी रूटीन से। मोबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी वर्कआउट को करने से पहले, बिकॉज़ आप जो भी वर्कआउट कर रहे हो उससे पहले जो भी आप मसल यूज़ करने वाले हो, जो भी जॉइंट्स यूज़ होने वाले हैं, उन सबको आपको अच्छे से वार्म करना है, मोबाइल करना है, ताकि आप अपनी लिफ्ट में उससे ज़्यादा बेनिफिट ले सको और आप इंजरी फ्री रहो। बिकॉज़ मोबिलिटी आपको इंजरी से बचाती है, आपकी जॉइंट को वार्म करती है, आपकी वर्किंग मसल को वार्म करती है। तो आपको अच्छे से टाइम बिताना है अपने मोबिलिटी रूटीन पे, और फिर हम चलेंगे अपने मेन वर्कआउट की तरफ, ठीक है। ये पुश वर्कआउट से पहले हम एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन ज़रूर करेंगे, बिकॉज इससे जो हमारा स्कैपुला की जो मसल हैं वो भी एक्टिव हो जाती हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे चेस्ट प्रेस से। तो चेस्ट प्रेस मशीन पे हम कर रहे हैं, और आपको सेम वही फॉर्म के साथ आपको अच्छे से मसल में ब्लड फ्लो कराना है। फिर हम सिंगल डंबल प्रेस कर रहे हैं। जो लोग बोलते हैं कि हमें एक मसल छोटी एक बड़ी होती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद हम डंबल प्रेस कर रहे हैं शोल्डर के लिए, और ये वीडियो थोड़ा ब्लर हो गई है, बट आप देख पा रहे हो कैसे हम कर रहे हैं, आपको ऐसे ही परफॉर्म करना है। उसके बाद हम इंक्लाइन डंबल प्रेस करेंगे। इंक्लाइन डंबल प्रेस के लिए आपको इस तरीके से अपनी बेंच को सेट करके और अच्छे से प्रेस करना है। वेट अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है। उसके बाद हम साइड डेल्ट को हिट करेंगे, जिसमें हम केबल लेटरल रेज कर रहे हैं। केबल लेटरल रेज करते हुए आपको हमेशा फोकस करना है कि आप फॉर्म पे अच्छे से ध्यान दो। और उसके बाद अब हम कर रहे हैं पैक डेक फ्लाई। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है मसल के लिए, चेस्ट की, क्योंकि ये अच्छे से ब्लड फ्लो कराती है पूरा। तो आप अच्छे से इसको परफॉर्म करें, सभी के सेम सेट और सेम रैप रखनी है, और इसको आपको ट्रैक भी करना है। इसके बाद हम रियर डेल्ट को हिट कर रहे हैं। आप सपोर्टेड भी कर सकते हो और अनसपोर्टेड भी कर सकते हो, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं ट्राइसेप की तरफ। हम कर रहे हैं ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन। इसमें भी हम सेम रैप और सेम सेट रखेंगे। फोकस हमेशा यही रहेगा कि हम मसल में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो करा पाएँ, ताकि हमारी मसल अच्छे से ग्रो हो और लूज़ ना हो, और हम अपनी कटिंग जर्नी पे अच्छे से बने रहे। फिर उसके बाद ट्राइसेप पुश डाउन, सेम रैप, सेम सेट्स हम लगाएंगे, और उसके बाद हम जाएंगे स्ट्रेचिंग की तरफ। गाइस, वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितना पूरा वर्कआउट होता है। तो आप आफ्टर वर्कआउट अच्छे से स्ट्रेचिंग करेंगे अपनी चेस्ट को, अपने शोल्डर को, अपने ट्राइसेप्स को,
ठीक है, और अपने नेक के अराउंड आप पूरा अच्छे से स्ट्रेच करोगे। और आई होप आपको ये वर्कआउट अच्छा लगा होगा, आप इसको एज इट इज़ अपने पुश रूटीन में यूज़ कर सकते हो। और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे फिट एंड फील फिट।